नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। महादेव सट्टा ऐप केस में ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल समेत कुल 21 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों के नाम शामिल है। ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में यह भी कहा गया कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई। ये प्रोटेक्शन मनी हवाले के जरिए पहुंचाया जाता था। आपको बता दें कि ईडी करीब एक साल से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और आरोप यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के शामिल होने का पता चला है। ऐप के दो मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से ही आते हैं। ईडी के मुताबिक इस मामले में करीब 6,000 करोड़ रुपए की आय हुई है। इधर एफआईआर के बाद भूपेश बघेल मीडिया के से मुखातिब हुए, मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भड़के भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि ये पूरी कार्रवाई जो है ये राजनीतिक दुर्भावना से की गई कार्रवाई। दबाव के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने ये भी बताया कि ये 4 तारीख को पूरा मामला हुआ था और अब जाकर आज यह खबर निकलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि इसमें उनका नाम छठे नंबर पर है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोग जो कि प्रोटेक्शन मनी जिनको दी जाती थी, उन आरोपियों में मेरा नाम नहीं। विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर की गई है, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि मामले में जांच एजेंसियां तो अपना काम करने में जुटी हुई हैं और फिर चिंता किस बात की, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाना है। एजेंसियों की भूमिका जो मामले आते हैं सामने और उस पर जांच की रहती है। अगर आप दोषी नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी उसमें दोषी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो जांच की एजेंसियों के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं, जो इसमें से जो लोग सम्मिलित हैं उनके नामों के आधार पर जो जांच प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के भय और डर का बात ही नहीं है। अगर निर्दोष होगा कोई इसमें तो बच जाएगा, अगर दोषी होंगे उनकी संलिप्तता होगी कहीं ना कहीं से तो निश्चित रूप से। तो अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि एफआईआर उन पर हो चुकी है, अब मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसने राजनीतिक रंग ले लिया। राजनीतिक प्रतिशोध की बात भूपेश बघेल कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। आइए इस मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत राजीव जी आपका। और साथ ही में जुड़े हैं हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चौहान साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। हालांकि आपकी पार्टी के नेता और साथ ही साथ जो आरोपी इस मामले में बनाए गए हैं उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आरोप ये लगा दिए गए कि ये तो राजनीतिक प्रतिशोध है, ये एजेंसी अपना काम नहीं कर रही, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखिए पुनीत जी, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन संस्थाओं का जिस तरह से छापेमारी और चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जो अपोजिशन की कहना चाहिए गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, उनमें जिस तरह से नेताओं को टारगेट किया गया, दलों को समाप्त किया गया, विचारधाराओं को समाप्त किया गया, उसके बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है पुनीत जी कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले जब 7 तारीख को प्रथम चरण का मतदान था, 5 तारीख को असीम दास की पिक्चर सामने आती है, भाजपा नेता की कार से पैसे बरामद होते हैं और ये कहा जाता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 508 करोड़ की रिश्वत दी गई, और उसके बाद जब दूसरे चरण का अंतिम मतदान समाप्त होता है उसके 2 दिन बाद असीम दास ये कहता है कि वो अंग्रेजी में बयान था, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब बातें झूठी है, और ये मीडिया में खबरें भी प्रकाशित होती हैं, और दोनों चरणों के मतदान तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि को दागदार करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी ईडी आईटी इनके सब कुछ लग जाता है। और उसी तरह आप देखिए जब लोकसभा चुनाव नजदीक आए तो 4 मार्च की FIR जब तक आचार संहिता नहीं लग गई ताकि इसका प्रोटेस्ट ना हो पाए, पब्लिक को ये मैसेज ना जा पाए कि भूपेश बघेल जी निर्दोष है, किस तरह से इनको राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, तो जानबूझ के आचार संहिता जैसे ही लागू होती है उसके दूसरे दिन इसको पब्लिश कर दिया जाता है खबर को। एक राजनीतिक षड्यंत्र को सिलसिलेवार अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, खुद ईडी कहती है अपने प्रतिवेदन में कि कहीं जिनको प्रोटेक्शन के लिए पैसा दिया गया उसमें भूपेश बघेल का नाम नहीं है, फिर आपने किस मेमोरेंडम के आधार पर कैसे भूपेश बघेल जी का नाम घसीटा, ये स्पष्ट ईडी नहीं कर पा रही है। और ईडी ईओडब्ल्यू जिस तरह से केंद्र की एजेंसियां प्रकोष्ठ बनी हुई हैं उसी तरह राज्य की एजेंसियों को भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है। और ईडी के एक अधिकारी के प्रार्थी बनने पर ईओडब्ल्यू उसमें FIR करती है, और जबकि सबसे अहम बात यह है कि महादेव ऐप के नाम पर ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक रोटी तो सेक रहे हैं लेकिन महादेव ऐप साए साए चल रहा है। केंद्र की सरकार उस ऐप को बैन तक नहीं कर पाई है, वो संवेदनशीलता नहीं है इनके पास कि हजारों करोड़ों युवा ठगे जा रहे हैं और इस सट्टा ऐप के गिरफ्त में है। ये क्या कर रहे हैं, कभी दुबई से बयान दिलवाते हैं, कभी राज्यों में हड़कंप मचाते हैं इसके नाम पर, और उस ऐप को बराबर चलने देते हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण तो नहीं है कि ठीक है। राजीव जी से सवाल कर लेते हैं। राजीव जी बड़े आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, चुनावी बेला है, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस महादेव सट्टा ऐप की बात हो रही है वो अभी अभी काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तो बैन लग जाना चाहिए, दोनों राज्यों में आप ही की सरकार है अब तो। देखिए जानकारी नहीं कि कोई महादेव ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन दुखद ये है कि माननीय भूपेश बघेल जी के समय रायपुर शहर के कोने कोने पर सट्टा चलता था और सट्टेदार रसूख कहते थे कि संयम है कोतवाल तो भय काहे का। ये रायपुर के गली कुछे कोने में सट्टा चलता था, रंगदारी चलती थी, और ये बात विदित थी। पूरा जो आज अपराध का तंत्र इतना विकसित हो गया वो यही कहते थे अपराध कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत है, हमारी पहुंच बहुत ऊंची है, तो ये ऊंची पहुंच ऊंची दुकान के लोग। और शुभम सोनी ने स्वयं संज्ञान में कहा कि मैं 5-8 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, वर्मा जी को कह चुका हूँ, ये तमाम बातें। लेकिन अनिल जी कह रहे हैं कि बाद में वो पलट गया। नहीं, शुभम सोनी ने अपना बयान दिया पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे देश की मीडिया के सामने, लोकल मीडिया के सामने। अरे आपने दिलवाया था दुबई में बिठा के उसको, आपने बयान दिलवाया। ये तो ठीक है महादेव ऐप की बात है, मैं तो कह रहा हूँ ना छत्तीसगढ़ में। नहीं, ये महादेव ऐप की ही बात कर लेते हैं अभी। नहीं 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 राजीव जी, नहीं नहीं विषयांतर होना ही नहीं है ना। आपने कहा कि महादेव ऐप अभी संचालित है कि नहीं है ये आपको नहीं पता, ये हैरत की बात नहीं है राजीव जी, हैरत की बात नहीं है। ईडी जांच कर रही है, आपको मालूम ही नहीं है, ये आपको मालूम ही नहीं कि काम रही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखिए विषयांतर मत करिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। नहीं, मैं विषयांतर नहीं, आप कर रहे। नहीं नहीं, महादेव ऐप का संचालन होता था, अभी होता है कि नहीं होता ये बताइए आप। और उसमें तमाम, अरे ऐप चल रहा है राजीव जी, अधिकारी अब कोई नहीं होता, आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, अपराधियों वो ऐप चल रहा है और ऐप के नाम पर आपकी राजनीति भी चल रही है और युवा लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कस रही है, बुलडोजर उनके घर गिराए जा रहे हैं, ये अपराधी। राजीव जी आज देखिए आपको मैं एक बार फिर से मुद्दा बता दे, आप हमारे साथ जुड़े हैं शायद आपको नहीं पता, लेकिन मुद्दा जो है आज भूपेश बघेल पर, सुन तो लीजिए सर, भूपेश बघेल पर FIR महादेव सट्टा ऐप के मामले में जो हुई है उसके बाद उनकी सफाई और उन पर लगे आरोप पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि सरकार बनने के बाद किसने क्या किया, हम तो बात कर रहे हैं जो आरोपी है और उसकी उसकी तरफ से जो पक्ष रखा गया उसकी बात कर रहे हैं। राजीव जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए लोग तो कहेंगे ना कि राजनीतिक आरोप है,
लेकिन आरोप सेट भाई है, 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ईडी ने पकड़ा है, किस खाते में आया, किसके अरे साहब कोई अपराध हुआ है तो पहले उस ऐप को बंद किए या नहीं ये तो बता दीजिए। आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, क्या युवा आज भी नहीं ठगा जा रहा है? आज भी करोड़ों युवाओं के खून पसीने की कमाई जा रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 पत्र लिखे, क्या हुआ वो ऐप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप? कहाँ है 56 इंची सीना? क्यों दुबई से गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं आप उन लोगों की? क्या छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार जाती गिरफ्तार करने? राजीव जी और अनिल जी देखिए सुनिए 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 सुनिए, आप दोनों बहुत सम्मानित मेहमान हैं, सुनिए तो सही। आप दोनों अगर बोलते रहेंगे तो फिर जनता के भी समझ में नहीं आएगा और सवाल जवाब का सिलसिला जो है, अगर सुन तो लीजिए सर जी, सुन तो लीजिए। अगर अनिल जी कुछ सवाल कर रहे हैं या वो कह रहे हैं, देखिए बात महादेव सट्टा ऐप की हो रही है, कई सारे लोगों को चला गया, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, ये आप भी कह रहे हैं, मान रहे हैं ना इस बात को। सवाल यह है कि यह ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अवैध पैसे आए दुबई के रास्ते पर, हाँ जिसमें जी अवैध पैसे आए और जो रुपया आया, जो रिश्वत आया, वो किस कहां से आया, वो 2 नंबर पे आया, उसका हवाला हुआ, हवाला रैकेट भी इसमें शामिल था, प्रोडक्शन मनी दी गई। अब देखिए पुनीत जी, जयललिता जी भी कहती थी कि मेरा कोई दोष नहीं, लालू यादव जी भी कहते थे मुझे चारा घोटाले में फंसाया गया, चौटाला जी भी शिक्षक घोटाले में फंसे, ये सारे घोटाले बाहर जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं राजनीतिक दुर्भावना है, लेकिन अंतोगत्वा ये जेल में है। लालू यादव जी आज भी उनका मामला चल रहा है, दोष मुक्त नहीं हुए, लगातार जेल में रहे। ये महादेव ऐप का भी घोटाला हुआ, विदेशों से 6,000 पैसा, भगवान तो नहीं खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं पैसा होता है ना। लेकिन फैसला फैसला आया है जो आज अगर ये पुलिस ने पकड़ा है, चार्जशीट हुई है, अगर आपके अंदर हिम्मत है बिल्कुल चार्जशीट का देखिए बैन करिए, न्यायालय के शरण में है, न्यायालय में जाइए, जो लोग दोष मुक्त होते हैं आज हमारे खिलाफ कुछ आता न्यायालय में हम उसको स्वागत करते हैं। आपके पास न्यायालय का रास्ता है, लेकिन आप ये कहते हैं आपका पाप नहीं ढकता कि ये राजनीतिक दुर्भावना है। कोई राजनीतिक दुर्भावना होता तो 6,000 करोड़ का एविडेंस है, 508 करोड़ का एविडेंस है, किस रास्ते से किस खाते में किसके द्वारा पहुंचाए गए, लेने वाला कौन, देने वाला कौन, सारा पानी का पानी, पूरी दुनिया जाती है, ठीक 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 हाँ हाँ जांच हो रही है। अगर अगर सेंट्रल एजेंसी अपना काम कर रही है और पाक साफ है, अनिल जी सवाल मेरा आपके पास ये आने वाला था कि पाक साफ है तो फिर दिक्कत किस बात की? कोई किसको किसी को कितना ही परेशान क्यों न कर ले, अगर पाक साफ है तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर ये आरोप नहीं कि राजनीतिक विद्वेष के चलते हुआ, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाना है। पुनीत जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, साधुवाद उसके लिए आपको, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक अपराधी डकैती डालता है, हत्या करता है और कहता है पुनीत मिश्रा जी मेरे साथ उसमें शामिल थे, और उसको पुलिस से बयान दिलवाती है और पुनीत मिश्रा जी खड़े खड़े डकैती और हत्या के आरोपी बन जाते हैं, आप साहब न्यायालय से ट्रायल में 2 साल बाद बरी होंगे? राजीव जी सुन तो लीजिए मेरा तर्क, राजीव जी आप आपने विषय पर जवाब, राजीव जी जवाब आने दीजिए, नहीं नहीं राजीव जी सुन लीजिए, राजीव जी जवाब तो आने दीजिए। तो क्या पुनीत मिश्रा जी ने जो 2-3 साल ट्रायल में फेस किए, क्या वो वापस हो जाएंगे? क्या उसका राजनीतिक इस्तेमाल करके आप न्यायालय से छूटने देते हैं? अरे राजीव जी दूसरों की बात भी तो सुन लीजिए साहब, आप तो मुख्य मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहते, आप तो ये भी नहीं बताना चाह रहे थे कि महादेव ऐप चल रहा है या नहीं चल रहा है। पुनीत जी इस तरह बहस नहीं हो पाएगी, इनको विषयांतर करना है, न्यूसेंस करना है, क्योंकि ये गर्दन तक पाप में डूबे हुए हैं। जैसे ब्रिटेन के समय में जब ब्रिटिश साम्राज्य था यहाँ, अंग्रेजी पुलिस लगातार भारतीयों को क्रांतिकारियों को परेशान करती थी, जेल भेजती थी, भय का वातावरण बनाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेम उसी ढर्रे पे है, और ये आरएसएस के लोग, इन्होंने सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज के सामने आरएसएस के लोगों को ब्रिटिश फौज में भर्ती होने का आह्वान किया था, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, ताकि हिंदुस्तान के खैर हमको वहां नहीं जाना है, हमको वहां नहीं जाना है, हम आज जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं विषय पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो ईडी आईटी सीबीआई भाजपा को चंदा वसूली करा रही है,
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद वो स्पष्ट हो गया, वो ईडी आईटी सीबीआई आज आप देखिए कि उसके माध्यम से जब जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आते हैं, जब गरीबी की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, 15 लाख की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो ये इसी तरह का सिकुफा लेके आते हैं। एक लेकिन कहावत है कि आग लगे बगैर धुआं उठता नहीं है, अनिल सिंह साहब। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, जो आपने दलील दी ना कि किसी भी फलाने चंद को या पुनीत मिश्रा को कोई अगर ये आरोपी, तो भूपेश बघेल एक पुनीत मिश्रा नहीं है, भूपेश बघेल का कद बड़ा है, भूपेश बघेल के पीछे बहुत बड़ी फौज भी है वकीलों की, तो भूपेश बघेल का कद ये नहीं है कि कोई भी आरोप ऐरा गहरा नथु खेरा चलता हुआ आदमी आरोप लगा दे और फिर भूपेश बघेल को उनका उनकी इमेज जो है उसको उसके साथ खेला जा सके। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक पॉलिटिकल व्यक्ति है तो क्या आपको नहीं लगता कि एजेंसियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है उनका चरित्र हनन पहले करने के पहले, उनको एविडेंसेस को पहले सामने रखना चाहिए। हवा हवाई में किसी भी व्यक्ति का नाम घसीट देना, और ऐसा इस इत्तफाक को आप देखिए, सर्कमस्टेंसेस को देखिए। लेकिन ईडी के बाद सुनिए तो, मेरा यह सवाल है अनिल सिंह चौहान साहब, मेरा यह सवाल आपसे है कि ईडी पूरे मामले की जांच कर रही थी और ईडी की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू इस पर एफआईआर दर्ज कर रहा है सर, तो दो एजेंसी हो गई ना इसमें, तो अब तो कुछ तो मिला होगा ग्राउंड पर, कुछ तो होगा। मैं वही तो स्पष्ट कर रहा हूं आपको, क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि ठीक विधानसभा के पहले एक असीम दास आ जाता है और ठीक लोकसभा के पहले 4 मार्च को जो एफआईआर हो गई है उसको ठीक लोकसभा के आचार संहिता के बाद उजागर किया जाता है। ये आप इसको इंसिडेंस को समझिए, कोइंसिडेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, क्रोनोलॉजी बोल रहे हैं आप, ये कोइंसिडेंस भी आप बोल रहे हैं, क्रोनोलॉजी है जिसमें एविडेंस है, तो वो स्पष्ट जनता के सामने क्यों नहीं लाया गया, क्या एक सनसनी पैदा करना नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं पुनीत जी, केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार थी, चाहे ए राजा हो चाहे कनीमोजी हो, पहले शुरुआत सरकार ने जिन पर भी आरोप लगा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो, उन पर कार्रवाई पहले हुई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कौन सी वॉशिंग मशीन लेके आई है, एक तो विपक्ष पे सिर्फ कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष का नेता जब इनके यहाँ चला जाता है तो साफ सुथरा हो जाता है, सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं, चंदा वसूली ईडी आईटी इनके लिए करती है, अब तो सारे एविडेंस सामने है। तो ये जो मुद्दों से भटकाने के लिए ये भूपेश बघेल जी के किसानों पर केंद्रित राजनीति से डरते हैं और ये नया सिगुफा लेकर आए हैं, और जब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो या तो ये हिंदू मुसलमान करने लगते हैं या विषयांतर करने का प्रयास करते हैं। और पुनीत जी मेरा विषयांतर करवा रहे हैं, राजीव जी के पास चलते हैं ना, उनसे पूछते हैं ना राजीव जी, हालांकि कंटिन्यू बोल भी रहे, राजीव जी विषयांतर आप लोग करने की कोशिश कर देते हैं, जब सीधा सीधा सवाल पूछा जाए तो आप इधर उधर की बात करके विषय का बदलाव कर देते हैं, भटका देते हैं उसको। सीधा सवाल उन्होंने पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया कि महादेव सट्टा ऐप चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ये कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म है नहीं चल रहा है। और जो 506 करोड़ रुपए कहां से पहुंचा है वो ईडी के पास, आगे की कहानी मत सुनाइए, नहीं चल रहा है कह रहे हैं पुनीत जी, अभी अपने मोबाइल से आप महादेव ऐप को सर्च करिए, आपको बकायदा एक चलता हुआ मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं लोकप्रिय चैनल पर, इनको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी है, देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं तो हो जाए, इनको कोई सरकार नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक बार राजीव जी सुनिए ना, राजीव जी सुनिए ना आप, राजीव जी एक बार आपने कह तो दिया, और न्यूज 18 पर ये बात आपने कही है कि महादेव सट्टा ऐप नहीं चल रहा है, इस बात को हम भी नोट करके रखेंगे, आप भी एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। लेकिन अनिल सिंह चौहान साहब, ये सब राजनीति हो रही है, ये सारी बातें आप लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें सामने भी तो आई, पैसा भी सामने आया और भी लोग भी सामने आए, तब जाकर ये कार्रवाई हो रही है ना, ऐसे तो कार्रवाई नहीं हो रही कि अचानक से ईडी को किसी ने आदेश दे दिया, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं किसी ने इशारा कर दिया, ईडी पीछे पड़ गई और ईडी ने कह दिया कि नहीं ये महादेव सट्टा ऐप जो है इसमें इनको फंसा दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है सर। पुनीत जी बहुत अच्छा एक सवाल और आपने लाया, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, कैसा कौन सा मसला है कि चाहे सोरेन हो चाहे केजरीवाल हो चाहे भूपेश बघेल हो, कोई भी अपोजिशन का लीडर किसी न किसी शिकंजे में क्यों लिया जाता है। दूसरी बात, जब आप रोज अखबार पढ़ेंगे, आप एक खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद अपने चैनलों में चलाते हैं, रोज ऑनलाइन ठगी की शिकायत आती है कि ऑनलाइन पैसे ठग लिए गए, जुआ चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप पे सर्वाधिक कार्रवाई की, 12 स्टेट में रेड हुई,
सर्वाधिक पैसे जब्त किए गए, सर्वाधिक कार्रवाई हुई। हमारा दुबई जाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमने जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023 बनाया, जिसमें ऑनलाइन सट्टा को गैर जमानती अपराध बनाया। ठीक। मैं केंद्र की सरकार और यहाँ साय सरकार जो आई है, दोनों को चुनौती देता हूँ। ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन जुआ को लेकर आपने एक कानून बनाने की जहमत नहीं उठाई, ये आपकी इच्छा शक्ति थी। आज भी वो एक चलते रहता है और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं कि पूरी राजनीति की रोटी सेकने का काम चल रहा है, इस आंच जांच की आंच के नाम पर उस पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं बीजेपी के द्वारा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सांच को आंच क्यों, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, इतना हंगामा क्यों। आने वाले दिनों में देखना होगा इस मामले में होता है क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।